नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट सेंचुरी। वेस्टइंडीज से मिली जीत के बाद रोने लगे रोहित शर्मा, मैदान पर हुए इमोशनल, विराट ने कही दी बड़ी बात। तो क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, भारत किसकी वजह से पहला मैच जीता नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही कर ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में खेला गया वनडे मैच काफी ज्यादा शानदार रहा। मैच में आखिरी बाल तक जीत का पता ठिकाना नहीं था। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मैच को अपने नाम कर लिया, वहीं वेस्टइंडीज के खेमे में शांति छा गई। आपको बता दें कि मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा वहीं मैदान पर रोने लगे। कप्तानी मिलने के बाद पहला वनडे मैच जीत कर रोहित शर्मा काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और मैदान पर ही रोहित शर्मा रोने लगे। इसके बाद भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी इमोशनल हो गए और उन्होंने रोहित शर्मा को गले लगा लिया। मैच के बाद विराट कोहली ने रोहित शर्मा को लेकर, रोहित शर्मा के रोने को लेकर बहुत कुछ कह दिया। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या हुआ था मैदान पर भारतीय टीम के जीत के बाद और विराट कोहली ने रोहित शर्मा को लेकर क्या कहा। आपको बता दें कि विराट कोहली ने कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत अच्छी है, रोहित शर्मा को इस तरह से इमोशनल देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह हमारे साथी खिलाड़ी हैं, हमारे जैसे ही खिलाड़ी हैं। मैच में हार जीत लगी रहती है, लेकिन बॉन्डिंग सबसे बड़ी चीज है। भले ही हम मैच जीत गए हों, लेकिन दिल तो रोहित शर्मा ने भी जीत लिया है। रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान हैं। तो दोस्तों, विराट कोहली के इस स्वीट गेस्चर पर, रोहित शर्मा के इमोशनल अवतार पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें।